स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत स्वच्छता अभियान और जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन विकास खंड चरगांव में किया गया, जिसका शुभारंभ जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडेयन ने किया। इस मौके पर डीएम ने कहा कि गांव से ही देश की पहचान है। हर देश की रीढ़ की हड्डी गांव होता है। यदि गांव में स्वच्छता एवं विकास होगा तो देश भी प्रगति करेगा। उन्होंने कहा कि गांव में लोगों को सफाई के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी, जिससे स्वच्छता संरक्षण ग्रामीण 2018 में अपने जनपद एवं प्रदेश को उच्च स्थान दिलाया जा सके। उन्होंने कहा कि हमें अपनी आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छता के उपहार विरासत में देना है, ना कि गंदगी का। जिलाधिकारी ने कहा कि 2 अक्टूबर तक पूरे जनपद को ODF कराना है, इसलिए अपनी पूरी मेहनत के साथ कार्य कर 100% शौचालय निर्माण सुनिश्चित करवाएं। इस दौरान जिलाधिकारी ने प्रधानों से कहा कि गांव साफ सफाई में पहला, दूसरा और तीसरा स्थान आने पर पुरस्कृत किया जाएगा, जिससे गांव में और भी विकास कार्य हो सके। अपने संबोधन में CDO अनुज सिंह ने स्वच्छता संरक्षण 2018 के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि गांव-गांव में सफाई के लिए सभी को जागरूक करना होगा। चरगावा ब्लॉक शहर के सबसे पास का ब्लॉक है, इसलिए यहां भी अधिक मेहनत की आवश्यकता है। इस मौके पर DM ने विभिन्न ग्रामों के प्रधानों को फॉगिंग मशीन एवं सफाई उपकरण तथा सफाई कर्मियों को ड्रेस का वितरण किया। कार्यक्रम में जिला विकास अधिकारी बब्बन उपाध्याय, खंड विकास अधिकारी मीनू सिंह, जिला पंचायत राज अधिकारी हिमांशु शेखर मौजूद रहे। ग्राम विकास जब मेरा सौभाग्य है, ये हमारा क्षेत्र पंचायत चरगावा क्या प्रदेश क्या पूरा देश स्वच्छता की तरफ अग्रसर है, उसी को लेकर के जनपद गोरखपुर में आदरणीय श्री परम आदरणीय श्री पांडेयन साहब के नेतृत्व में स्वच्छता अग्रसर चल रहा है। जो आज चरगावा ब्लॉक में आयोजित कार्यक्रम आपके सामने देख रहे हैं, और कहने मतलब ये कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी या मुख्यमंत्री यशस्वी श्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी, ये जागरूकता जागरूक कर रहे हैं हमारे द्वारा, माननीय जिलाधिकारी या समस्त सक्षम जनपद के सभी अधिकारी के द्वारा एक जागरूकता लाई जा सके। सभी लोगों ने बताया जो सफाई व्यवस्था देखी जाएगी वो मुख्यतः 5 स्थानों पर देखी जाएगी, जो 5 सार्वजनिक स्थान है, जो गाँव के महत्वपूर्ण स्थान है, जिससे गाँव के सभी लोगों का वास्ता पड़ता है, जैसे स्कूल हो गया, आंगनवाड़ी हो गया, वहाँ क्योंकि शहर के बहुत निकट ब्लॉक है तो कई ऐसे गांव हैं चरगवां के जहाँ पे हाट बाजार लगता है, तो हाट बाजार हो गया। और इसके अतिरिक्त अगर PHC CHC है उस गांव के अंतर्गत तो PHC CHC, अगर PHC CHC नहीं है तो ANM सेंटर। इन स्थानों पे सफाई व्यवस्था देखी जाएगी कि यहाँ पे सफाई व्यवस्था क्या है, वहाँ पे शौचालय की उपलब्धता है कि नहीं है, और अगर शौचालय की उपलब्धता है तो उसका इस्तेमाल किया जा रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले मैं अपने पंचायत सेक्रेटरी और ग्राम प्रधानों से आपसे पहले भी कहा जा चुका था कि अगर इन 5 स्थानों पे शौचालय नहीं है तो उसे आप अपने निधि से वहाँ पे शौचालय निर्माण करवा दें, और सुनिश्चित करें कि अगले 1 सप्ताह में, अभी टीम आज पहला दिन है तो किसी ना किसी जनपद से उन्होंने शुरुआत की होगी, हमारे भी जनपद में 1-2 दिनों में उसकी शुरुआत हो जाएगी, तो हम आशा करेंगे कि इन 5 स्थानों पे ये कहीं भी जाए, किसी भी गांव में जाए, उन्हें शौचालय अवश्य। स्वच्छता का ऊपर किसी न किसी रूप से अभी स्वच्छ भारत अभियान चल रहा, उसके पहले टोटल सैनिटेशन चल रहा था, उसके पहले 40-50 साल से शौचालय बनाने में वो चौदहवीं राज्यवीत अभी है, उसका नाली बनाने में, नाला बनाने में, सड़क बनाने में जो सरकार ने कितने पैसा खर्च किए हैं,
उसका सफलता जानने चाहती है, उसको असली फल जनता का मिला है कि नहीं, और गांव का चेहरा, वैसे महात्मा गांधी ने बताया गांव से ही देश पहचानते, गांव कैसे साफ सुथरी है ऐसे ही देश होता है। हर देश का रीढ़ का हड्डी होता है गांव, गांव से ही देश बनता है। तो गांव ही एक तरफ रिफ्लेक्ट करता है, प्रभावित करता है कि वो देश कैसे होती है। उसी मंशा पे आज से प्रारंभ हो रही है जो स्वच्छता सर्वेक्षण। स्वच्छता सर्वेक्षण पहले तो शहरी इलाके में चलता था, पिछले 2-3 साल में अब पेपर में भी पढ़े होंगे, विभिन्न शहर का रैंकिंग भी होता था, नंबर 1 इंदौर है, नंबर 2 मैसूर है, बेंगलुरु है, ऐसे। वैसे भी उसमें भी जो हम लोग प्रदेश का जो कितने अर्बन सिटीज होता है, बड़े बड़े शहर है, नगर निगम नगर पंचायत है, उन लोग का स्थिति भी उतने अच्छा नहीं है। कहीं कहीं मुश्किल से हम लोग टॉप 50 में, यानी पहले 50 नाम में पहुंच गए अभी मुश्किल से, वो भी खड़ी मेहनत के बाद 1.5 साल में। शहर में तो अलग दिक्कत होती है, ताकि शहर में तो जनसंख्या बहुत ज़्यादा होते हैं और हम लोग पकड़ना भी मुश्किल है, कौन प्रदूषित करता है, कहाँ से निकल रही है वो, उसका ट्रैफिक जाम लगता है, मलिन बस्तियाँ बढ़ जाता है, बाहर से आने वाले भी वहाँ ठहर लेते हैं, फिर सब्जी मंडी से लेकर तमाम चीज़ होता है, उसको सीमित संसाधन से नगर निगम नगर पालिका को कराना होता है। बट गांव में ऐसे नहीं है, गांव में एक सुविधा है, ताकि घर घर गली गली जानते हैं, खासतौर पर जो रिश्तेदार खानदानी संबंधित लोग रहते हैं जानते हैं गाँव वाले साहब किसके पास गाय है, कौन ज़्यादा प्रदूषित करता है, कौन कूड़ा फेंकता है, कौन नहीं करता है, सारे चीज़ एक तरफ, पूरे गांव एक परिवार के रूप से है, सब जानते हैं, सब पहचानते हैं, कौन जिम्मेदारी लेता है, कौन जिम्मेदारी नहीं लेता है, कौन बदमाश है, कौन अच्छा है, ये सब आप जानते हैं। वैसे प्रमुख साहब और सीईओ साहब बताए, देखिए बस थोड़ी सी दिमाग लगाने की बात है और कुछ बात नहीं, ताकि आप जानते हैं 40-50 साल पहले तो गाँव में जाने में पसंद करते हैं, गाँव में इतने ये सुंदर सा माहौल दिखता है, हर व्यक्ति अपने घर के आसपास पूरा साफ सुथरी करके रखता है। अब तब से टेक्नोलॉजी का जो गांव के अंदर टेक्नोलॉजी आ गया, हर व्यक्ति अपने घर के आंगन में जो समरसेबल लगा दिया, पानी ऐसे बह रहा, पानी जैसे बह रहा तो तब मर्जी ये ऑन कर देता है तो रोड में डाल देता है, गाड़ी साफ करता है, घर साफ करता है, जानवर साफ करता है, उसको पानी भी बहता है बाहर। ये पहले तो बिजली नहीं था, फिर भी तो गांव साफ सुथरी थी, अब बिजली पहुंच गया, हर व्यक्ति अपने मर्जी से जो भी प्रदूषण कर सकता है उतने चालू करा दिए। पहले जो आप जानते हैं गांव में इतने कच्चा घर नहीं होता था, वहां का तालाब से मिट्टी लेकर के घर पटा देते, तालाब अपने आप साफ हो जाता था, सिल्ट निकल आता था, गाँव भी सुंदर दिखता था। अब देखें तो तालाब में कहाँ कहाँ जलभराव का क्षेत्र है वो पूरा भर गया, कूड़ा से भर गया, और तीसरा बड़ा दुश्मन है तो पॉलीथीन है, प्लास्टिक है। अब 15 जुलाई से हम लोग प्रतिबंध लगाए, शासन ने प्रतिबंध लगाया, हम लोग उस पर जोर से हम लोग पालन करवा रहे हैं, उसका असर अभी शहर में भी दिखने के लिए मिला है। कल हमने भ्रमण किया उस पर, जो पॉलीथीन थैले के प्रयोग काफी कम हुआ मात्रा में, तक कितने बार भी साफ करते हैं, 1 सप्ताह के अंदर पूरा पॉलीथीन चौक कर देता है जो नाली नाला में, ताकि जो भी सब्जियां है सब्जियां खरीदने समय वही है, घर में कूड़ा भी फेंकना है, कूड़ा अंदर रखते हैं, पॉलीथीन में लपेटते हैं, उसको फेंक देते हैं, वो जो बाहर का पॉलीथीन इतने नुकसानदायक है, वो सड़ता नहीं है, 1000-2000 साल तक वो सड़ता नहीं है, वो घूम फिरा करके आप ही के ही चीज में आ जाता है। अब जब पानी जो पानी पीते हैं उसी में भी आ जाता है पॉलीथीन, अंदर चले जाता है प्लास्टिक आपका, जो भी आप चीज मंगाते हैं, सब्जी खरीदते हैं, जो भी खरीदते हैं, उससे जो पॉलीथीन का नुकसान है वो उसी पे चले जाता है, जो आप खाने वाले पदार्थ में, उसी के नतीजा कैंसर का परसेंटेज बढ़ती जा रही है। उसके अलावा जो पान का पैकेट है, जो चिप्स का पैकेट है, जो भी चीज है आज तो पूरा पॉलीथीन में लपटा के आता है, जो आदमी तो प्रयोग करता है उसके बाद फेंक देता है, उनको कोई लेना देना नहीं उसे किसी को, घूम फिरा के ये आपका सर पे आता है, आप जानते होंगे, अब तो हम लोग आंकड़ा इकट्ठा कर रहे हैं। पिछले तो गांव वाले तो बहुत ताकत लोग होते थे, बीमार के नाम ही नहीं सुनते उन लोग, कहीं कहीं मैं जानता हूँ तो पहले तो गर्व के रूप से बताते हैं, तो बचपन से अब तक तो कभी दवा हवा के तक में तो गए ही नहीं, तो जानता हूँ नहीं क्या चीज, 100 साल 90 साल ये आराम से रहते थे आते। अब देखिए कितने कमजोर हो गए गाँव वाले, 40-50 साल में मुझे अच्छे से हो रहा है, डायबिटीज हो रहा है उन लोग का, शुगर का मरीज हो जा रहे हैं, बीपी बढ़ जा रहा है,
कैंसर का मरीज बढ़ते जा रहे हैं गाँव में, कहाँ जा रहे हैं हम लोग को? तो कहा पुराने पीढ़ी से जो हम लोग सीखे हैं वो सीखे नहीं ढंग से। अब जो टेक्नोलॉजी के नाम से आग बंद करेंगे, जो हम लोग हर के हाथ पे मोबाइल है, हर के घर पे जो आंगन में बिजली है, जो पूरा पानी फेंक रहे हैं ऐसे इधर, दूसरे कोई बाहर पे जाए हम लोग को कोई लेना देना क्या? अब किसी का घूम फिरा करके हम लोग के सर पे आए हैं ये चीज जो देखे, ये दुनिया है, हम लोग आगे पीढ़ी से हम लोग उधार में लिए हैं, वो आगे वाले पीढ़ी को देना है, ये दुनिया हमारा नहीं है। आगे पीढ़ी से पीढ़ी आपके पीढ़ी रहना है, इसी गांव में रहना है। अब वो रहने लायक माहौल नहीं बनाएंगे, वो जाएंगे कहाँ? भारत छोड़ के कहीं जा नहीं सकते। अब देखिए तो गांव छोड़ के कितने लोग शहर की तरफ आ रहे हैं, तक यही है तो कह रहे थे सुविधा कम है हम लोग वहाँ नहीं, ये नहीं, तो सुविधा का कमी नहीं है, वहाँ स्वच्छता का कमी हो गया। बस आपसे यही निवेदन करता हूँ, बस थोड़ी सी सोचिए, ये समस्या के जड़ में पकड़ना जरूरी है। मान लीजिए तो गंदा पानी कहाँ से निकलता, बस इतने पहचानना है। चलिए नहाने के बाद छोड़ रहा कोई व्यक्ति, तो उसको तो ढंग से नाला बनाना चाहिए था, नाली बनाना चाहिए था। जगह जगह गांव में कहाँ पानी अल्टीमेटली जाके गिरना वो पहले देख रही है भाई, पहले जो उसी पे गंदा नाली गिरता था, जो तालाब है, जो भी है, वो गड्ढा है, उसको साफ कराइए, उसी के सबसे नीचे से चालू करा दीजिए, एक एक घर जोड़िए उस पर। पहले पक्का नहीं है तो कम से कम कच्चा जोड़िए, कम से कम पानी तो निकासी हो जाएगा। जिला स्तर का टीम में बना देता हूँ, हर गांव में जा करके जो इस पे पैरामीटर दिया हुआ है उसको 100 अंक का, जो किस किस पैरामीटर में सफाई का जो सर्वेक्षण होता है, वैसे ही हमारा जिला स्तर अधिकारी भी जा करके सर्वे करेंगे। यह कितने ग्राम पंचायत है, मैं इसी मंच के तौर से मैं घोषणा भी करने चाहता हूँ, जो नंबर 1 इसी जनपद में आता है उनको 1 करोड़ रुपये इनाम में दूंगा। दूसरा नंबर पे आता है उनका 75 लाख, और तीसरा नंबर पे 50 लाख। आप इच्छा शक्ति पे काम कर लीजिए, आप जो गांव में चाहते हो मैं करा दूंगा आपके लिए। आप जो भी तो बरादर बनाना है, कॉलेज बनाना है, इंटर कॉलेज बनाना है, हॉस्पिटल बनाना है, जो आप डिक्टेट करो आदेश करो मैं बना देता हूँ। आपसे यही अपेक्षा है ताकि अकेले एक व्यक्ति एक प्रशासन इसी बड़ा जो बदलाव लाने में हम लोग मदद ही तो कर सकते हैं, बदलाव तो अंदर से लाना होता है हर व्यक्ति का, तब हो पाता है। जो इसी गांव में देखते हुए मुझे खुशी मिला है, 43 ग्राम पंचायत में लगभग ODF हो चुका है। मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ 15 अगस्त को आपको पूरे ब्लॉक ODF घोषित हो जाए। यहाँ एक गौरव रैली निकाली है, प्रमुख सचिव साहब को भी, आपका प्रमुख साहब को भी मैं सम्मानित करता हूँ, हर प्रधान को सम्मानित करता हूँ। एक तरफ गर्व की बात भी हो जाता है, आपका पूरे ब्लॉक ODF होना भी एक अच्छी संदेश है। अमर जी, मैं अपने